बोर्ड एग्जाम्स, वो मनहूसियत जिसके बाद तुम्हारे सभी रिश्तेदार, चाचा चाची, ताया ताई, फूफा फूफी, नाना नानी, मौसा मौसी, दादा दादी, तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे, तुम्हारे अपार्टमेंट का चौकीदार, तुम्हारे अपार्टमेंट के चौकीदार का कुत्ता, तुम्हारे पड़ोस की चुगली करने वाली आंटी, तुम्हारे पड़ोस की चुगली करने वाली आंटी का पति, उनके बच्चे, उनके पड़ोसी, सबको सिर्फ तुमसे बस एक ही क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्ट है, कितने मार्क्स आए? 70% आए या 80% आए या 75% आए या 90% आए? डिस्टिंक्शन मिली, पास हुआ, टॉप किया, फेल किया? अरे फेल तो नहीं हो गए, अरे मेरे पड़ोसी के तो बच्चे के इतने मार्क्स आए, अरे शर्मा जी के बेटे के तो 99% आया, तुम्हारे कितने हैं? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। नफरत है मुझे बोर्ड एग्जाम से। और क्यों? सबसे पहले रीजन होते हैं बोर्ड एग्जाम्स को टॉप करने वाले टॉपर्स। आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था 499? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। ऑफ कोर्स मैंने अच्छा एक्सपेक्ट किया था, सबने अच्छा एक्सपेक्ट किया, लेकिन दिस इज जस्ट वेरी over the top surprising. 499 marks out of 500. मतलब इतना तो अगर मैं खुद का पेपर चेक करता ना तो भी ना दे पाता अपने आप को 499. और मुझे एक बात नहीं समझ आती कि ये लोग टॉप बाद में करते हैं, ये न्यूज वाले पहले पहुंच जाते हैं इनके घर पे इनका इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ जी, आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी ऐसे टॉप मारने के लिए? और सामने से ये टॉपर्स लोग भी ना ऐसे आंसर देंगे, हम तो बस दिन का 1-2 घंटा पढ़ लेते थे जी। अरे शर्म करो, अरे शर्म करो। नहीं मतलब 1-2 घंटे पढ़ के तूने 500 में से 500 नंबर मार लिए, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मैं बता दूं तुम्हें, इन टॉपर्स लोगों के ना एक्चुअल ऑनेस्ट इंटरव्यू कैसे होने चाहिए। आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था 499? एक्सपेक्ट किया था? क्या मतलब है आपका एक्सपेक्ट किया था? 499 मार्क्स तो मैं अगर नींद में भी पेपर देती ना तो भी आ जाते मेरे। एक नंबर कट गया इंग्लिश में, शायद 99 आए आपके, अभी ऐसा लग रहा है कि एक नंबर और आ जाए। अरे यार ये ना बिक गई है गवर्नमेंट, सारे मिलके ना हमको पागल बना रहा है, ये साजिश रची है मेरा एक नंबर काटने के लिए। सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से 499 मार्क्स आए आपके, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन? अभी देखो यार ऐसा है ना, मैं 24 में से 25-26 घंटे तो रोज पढ़ ही लेती थी, और सच सच बताऊं तो मैंने तो 6000 मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे, 6000, लेकिन इन्होंने मेरे को सिर्फ 499 दिया है। आपका आर्ट साइड रहा, जनरली आर्ट साइड में ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते 499 मार्क्स, साइंस साइड के लिए तो एक्सपेक्टेशंस होती है। आपको क्या लगता है ऐसा क्या आपने अपनी कॉपी में लिखा कि 499 मार्क्स? देखिए वैसे तो ये मेरा टॉप सीक्रेट है, लेकिन अगर आप पूछ ही रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सीधा सीधा अपने पेपर में लिखा चाचा विधायक है हमारे। अड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। एंड एवरी पर्सन इज एंडाउड विद अ सेक्रेट सोल एज द ग्रेट रिलीजियस टीचर स्वामी विवेकानंद वंस सेड। वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। अब ये बोर्ड एग्जाम्स में ना इंग्लिश का पेपर कुछ अजब अजब ही है। ओके अभी समझ आया भाई, अब तो फुल मार्क्स। और गलती से पेपर अच्छा भी चला गया मेरा, तो जब घर आने पे मम्मी पापा ने पूछा ना पेपर कैसा हुआ, आई वॉज लाइक मिराकल। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें बोर्ड्स की टेंशन है या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई भी टेंशन है, तो आओ मैं तुम्हें एक कमाल के प्राणी से मिलवाता हूँ। तो भैया आप जोमेटो में कितने पैसे कमा लेते हो? 350। 350 डेली का? इंसेंटिव लगा के। इंसेंटिव लगा के? और कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। हैं? 12 घंटे। 12 घंटे आप काम करते हो, 350 मिलते हैं बस, और कुछ खाने को मिल जाता है कंपनी से? जो ऑर्डर कैंसिल हो जाए मतलब चिकन हो जाएगा अपना वो खा जाते। और रास्ते में कुछ खाने मन करता खा लेते निकाल के? नहीं वो नहीं खाते हैं, खरीदते खाते हो? जो कैंसिल हो जाएगा वो हमारा। अच्छा ये स्माइल जो आप कितनी प्यारी आ रही है, मतलब इसका कोई राज? काफी खुश हुआ लगता है जोमेटो से। हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं होती। तो जोमेटो वाले टाइम पे पैसे दे देते हैं? पैसा बिल्कुल टाइम से देते हैं, पैसा और खाना दोनों टाइम। कोई तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता, तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। And that is it for आज की वीडियो।